ये दो तस्वीरें भारत और पाकिस्तान के बीच हुए बंटवारे में बिछड़े भाई बहनों के दर्द को दर्शाती हैं। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के चलते मोहिंदर कौर अपने भाई अब्दुल शेख अजीज से बिछड़ गई थीं। अब 75 साल बाद ये दोनों भाई बहन करतारपुर साहिब में दोनों के परिवार बीते 3 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे, लेकिन मिलने की तारीख 19 मई 2023 को हुई। इन 75 सालों में सब कुछ बदल गया, नाम, चेहरे, उम्र, भाषा और यहाँ तक कि धर्म भी, लेकिन दोनों का प्यार और एक दूसरे से जुड़ाव कम नहीं हुआ। बड़ी खुशी महसूस हुई देख के ओदा परिवार बड़ा उस सारे आए से मिलन वास्ते, वो भी बड़े खुश हुए। असं रहे 3-4 घंटे इकट्ठे रहे उत्थे, बस ये पिछले पूछते रहे भी किस तरह तेरा टाइम बीतिया, किस तरह रहे हैं, किमें कि तेन रखते रहे, नहीं एक दूसरे को पूछते रहे हैं। मेरा साला साहब उथे उदे दर्शन होए, सारा परिवार मिला, मैनू बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं सोचता सा कि मेरा कोई साल लाए क्या नहीं, पर गुरु ने बड़ी बख्शी की है, साले दर्शन होए, उदी नूहां दे, उदे बच्चे, उदे पोतरे, उदी धियां, उदे जवाई, सारे सानू मिले, बड़े खुश होए। असी 5 भैन भरा सा, 2 इत्थे उत्थे कोटली च मुसलमाना ने मार दिते, ते माम इधर ही मार दिती, जेडे असीं बच के आए सां ओह ही विछड़ गए एक दूजे नालों। मेरे नाल दादी सी, दादी मैनूं लै के योल कैंप कांगड़े उत्थे आई नाल, उत्थे आण के ओह ही पूरे हो गए। बस मैं फिर कली रह गई, मैं चाचा जी लै गए सां मेरे। बीबीसी पंजाबी की टीम ने पंजाब के पटियाला में मोहिंदर कौर के घर जाकर उनसे बात की। वहीं बीबीसी उर्दू की टीम पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में स्थित कुटली गांव में अब्दुल शेख अजीज से मिलने गई। मोहिंदर कौर के छोटे भाई अर्जन सिंह ही अब अब्दुल शेख अजीज हो गए हैं, हालांकि उन्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं है। गदर तो पहले ऐसी सिख होता था, गदर जितने निकल गया, मुसलमान बन गया, कलमा नबी का पढ़ लिया, बहुत राती बादशाह से सुबह मस्किन हो गया। जब दोनों भाई बहन मिले तो उन्होंने अपनी बचपन की यादों, तकलीफों को साझा किया। बढ़िया मुश्किल आई है बेचारे ने, बहुत ज्यादा रुल खुल के ही पले बेचारा। अच्छा, हाँ जी, वो बहुत कम लेंदे रहे उहदे कोलों, हाँ जी, जिस कारण उन्हें तो दूर भेज देंदे सन पहाड़ा ते, आटा आटा पसाण बेचार दी लत टुट गई, बाह टुट गई, बड़े तसीए देंदे रहे। काम काज उन्हां लोकां करदा रहे, पूरी घर की जिम्मेदारी मेरे तपा छोड़ी है, माल भी संभालना है, का भी बहना है, लकड़ा भी आनी, पानी आना, जो काम दसते रहे करता रहे। फिर अपनी हालत जल्द दिखी, उसने खानदान ही भूल गया, सब ही भूल गया, अपनी जान संभालते रहे और क्या करना। असी शुरू तो कोशिश कर रहे सी कि किस तरह माता जी दे साडे किसी भी रिलेटिव नूं ट्रेस करके उन्हां नाल संपर्क किया जाए। मैनूं एक जानकारी मिली कि एक गंगा नगर हरपाल सिंह सूदन एक NGO चलांदे ने, जो कि इस तरह के गुम हुए व्यक्तियों नूं जां पाकिस्तान रह चुके व्यक्तियों बारे जानकारी दिंदे ने। मैं उन्हां नाल संपर्क करके सारी गल दसी तां उन्होंने कहा कि अपनी माता जी की पूरी डिटेल एक वीडियो बना के मेरे पास भेजो। उदे विच माता जी ने अपने मम्मी पापा का नाँ, अपने तीनों भरावां का नाँ, अपनी दादी का नाँ, अपने पिंड का नाँ, ये सारिया गल्लां उस आवाज़ विच रखियां। गंगा नगर तो हरपाल सिंह सूदन ने वो आवाज़ पाकिस्तान च NGO चलांदे ने मिस्टर इमरान खान उन्हां नूं दित्ती। इमरान खान ने बड़ी कोशिश करके जिथे जिथे भी जो कन्वर्ट लोग होए से उन्हां नाल जाके जापता राबता करके साढ़े मामा जी नाल संपर्क किया। जिस दर्द से ये दोनों भाई बहन बचपन से गुजरे, उसी दर्द को उनके परिवारों ने भी महसूस किया। रोजाना दूजे तीजे दिन इन्हों का जो भरा जो साडा मामा जी लगते ने, वो हर रोज़ इन्हों गलबात करते सन, बड़े भावुक हो जाते सन,
क्यों वह भी उतावले सन कि कदों मैं अपनी भैन नूं मिला। जदों असी छोटे हुंदे सी तां असी अपने मदर जी नूं अपने माता जी नूं पुछिया करदे सी कि माता जी हर बच्चे दा हर दा किसे दा कोई मामा है नाना नानी साढ़े मामा जी ते मासियां नाने किसे हैं। तां इन्हां ने फिर सानूं दस्सिया भी जदों असी 47 च भारत पाकिस्तान की वंड हुई तां असी इधर आए हाँ तां रस्ते च विछड़ गए सी असी मैं ते मेरी एक भैन ते एक मेरा ब्रदर वो असी अलग हो गए। बाकी ब्रदर दो भरा मेरा प्यो मेरी माता वो पाकिस्तान जी गए घर च। कितनी जो मेहनत और जिंदगी इंतहाई मुश्किल गुजरी है, इतनी इंतहाई मुश्किल गुजरी कि बंदा इनकी स्टोरी सुने और मैं कहता हूँ बंदे को रोना आ जाए कि बंदा ये स्टोरी सुन नहीं सकता इनकी कि उन्होंने जिंदगी कैसे गुजारी है और इतनी सी उम्र में लेके जो एक बच्चा 4 साल का क्या कर सकता है आपके सामने। आप खुद सोचें किसी का बच्चा देख के इंसान नहीं रह सकता यार, ये बच्चा अकेला कैसे है। तो इसका ना भाई ना बहन ना बाप ना रिश्तेदार और जो ज़मीनें थी वो इतनी मतलब शाही ज़मीनें थी इनकी, उनके पास कुछ भी नहीं है। मोहिंदर कौर की पोती बचपन से ही अपनी दादी से बंटवारे की कहानियां सुनती रही और जब दादी अपने भाई से मिली तो उनकी पोती को भी एक नया परिवार मिल गया। साडियां फैमिली दियां 3 जनरेशन 3 पीढ़ियां द रीयूनियन होया, असी इकट्ठे होए मेरे दादा जी दादी जी अगो मेरे फादर वड़े ताया जी अगो असी सारे बच्चे ते उन्होंने भी 3 जनरेशन आईया सीगियां मेरे दादा जी अगों मेरे चाचे मेरिया भूआ उन्हां दे बच्चे मेरिया कजनस वड्डे छोटे सब दा ते एक तरीके दा एक जिहड़ा रीयूनियन सीगा 3 पीढ़ियां दा बड़ा ही ज़्यादा इमोशनल बड़ा ही ज़्यादा खुशनुमा सीगा। अपनी बहन से मिलने के बाद अब्दुल अजीज उर्फ अर्जन सिंह 4 जून को पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद स्थित कुटली में अपने गाँव भी गए। पाकिस्तान में रहने के बावजूद वो 75 सालों से कभी अपने गांव नहीं गए थे। अब्दुल को अपने गांव में कुछ सड़कें याद आईं। उसने बिल्कुल साफ हासा उन्होंने मिट्टी रोड रोड पर गया लेकिन उन्हें अपना पुश्तैनी मकान नहीं मिल सका। वो जितना पानी माल पीने आते ना वो जगह था गई है अपने मकान की मालूम नहीं कि ना इतना फिर आजकल बहुत बूटे बूटे हो जाने सब कोई। इस बात से वो थोड़ा दुखी हुए लेकिन बहन से मिलने का संतोष उन्हें जरूर था। जमीन आई थी यानी सी कुटली बेच मैं उसे छोटा सा मोह इतनी यादाश नहीं ना जेड़ा कोई मैं तुम दसे वो जगह सामने आवा फिर भी आदमी आखा कि कोई थोड़ी बहुत निशानी मोह याद आ जो है जगह ही नहीं सामने आती याद पता नहीं इसको नहीं है इसको नहीं इसको नहीं और दोनों देशों की सरकारों से अपील करते हैं कि नियमों में ढील दी जाए। असि भारत ते पाकिस्तान दे बहुत धन्नवादी हां जिन्हां दे इन्ना परोपकार करके रस्ता खोल के साडे माता जी ने इन्हों के साडे मामा जी भरा आपस मिलाया है। हुकूमत की तरफ से कुछ सानी हो तो हम इनको आपस में फिर भेज सकें मिल सकें कुछ वक्त अपना गुजार सकें उनके साथ। जो इतना वक्त बीत गया वो तो हम नहीं लुटा सकते इनको लेकिन जो वक्त इनको मिल रहा है थोड़ा सा वो हम इनको साथ मिलवा दें एक दफा जाके। मोहिंदर कौर और अब्दुल अजीज करतारपुर साहिब कॉरिडोर की मदद से दोबारा मिल सके। सिख धर्म में इस गुरुद्वारे की बड़ी अहमियत है। साल 2019 से यह बिछड़े हुए परिवारों को दोबारा मिलने में अहम भूमिका निभा रहा है।